और चीख चीख कर तुमसे कहे, कहाँ है रमा और रम्या, क्या है रघु के गुस्से की वजह? बाहुबली के बाद साउथ फिल्मों के सुपर हीरो प्रभास किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सीन चाहे एक्शन हो या कॉमेडी, रोमांस हो या फिर ड्रामा, प्रभास हर रोल में एकदम फिट नजर आते हैं। और इस वक्त टॉलीवुड के ये हैंडसम हंक अपनी अपकमिंग फिल्म यानी सालार के लिए चर्चाओं में है। सोर्सेज की माने तो ये फिल्म 70s 80s की कहानी बताती नजर आएगी। फिल्म में प्रभास सालार यानी लीडर के रोल में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ श्रुति हासन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कई एक्टर्स शामिल होंगे। फिल्म के पोस्टर ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, रघु दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ रमा की लाश अब भी वहीं पड़ी है और उसकी माँ बेहोशी की हालात में वहाँ पड़ी है। जुग्गी वाले मिलकर रम्या को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। रघु रमा की डेड बॉडी उठाकर रोने लगता है। तब तक पीछे रमा का दोस्त सोनू आता है और पूरी बात बताता है। अगले सीन में गुस्से से पागल रघु अरमान भाई के अड्डे पर पहुंचता है और उससे एक बंदूक उधार ले लेता है। अगले पल रघु उन्हीं आदमियों की बस्ती में होता है। रमा को मारने वाला आदमी कहता है, लो ये चूहा भी आ गया। रघु के सामने रमा और रम्या की तस्वीर घूमने लगती है और गुस्से में चिल्लाता हुआ रघु उस आदमी को गोली मार देता है। चारों तरफ आदमियों को अटैक करते देख रघु उन सबको गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसी के साथ अगले सीन में रघु हॉस्पिटल पहुंचता है और सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। क्या देखा रघु ने? चल दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।